भारत का एक और झूठ था, पाकिस्तानी नहीं भारतीय फौजी चौकी हुई तबाह। आईएसपीआर ने भारतीय चौकी की तबाही की वीडियो भी जारी कर दी। कहा, भारतीय फौज ने 13 मई को भिंबर सेक्टर में शहरियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकी को तबाह कर दिया, भारी जानी नुकसान भी पहुंचा। तमाम महाजों पर होने वाली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। कहते हैं, पाक फौज की बेशुमार कुर्बानियों के नतीजे में इस्तेहकाम आया। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कराची और पंजाब में अमन इस्तेहकाम की बहाली तक ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। कराची में लोड शेडिंग का जिन फिर बोतल से बाहर, शहर भर में बिजली की तवील बंदिश से लोग बिलबिला उठे। रिहायशी इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग, कारोबारी मराकज भी मुतासर। के इलेक्ट्रिक ने जिम्मेदारी एनटीडीसी पर डाल दी, बिजली की बंदिश के बायस पानी का बहरान भी संगीन हो गया। लियारी में जूना मस्जिद के करीब रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी। उधर रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 11 जराइम पेशा अफराद धर लिए। दरख्शा से कल अदम अलकायदा बरसगीर का कारिंदा हुसैन उस्मुन्ना पकड़ा गया। एमक्यूएम लंदन के 2, एमक्यूएम पाकिस्तान का 1 कारकुन भी गिरफ्तार। कराची के इलाके कुरंगी भटाई कॉलोनी में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग और तशद्दुद के नतीजे में 1 शख्स जान बहा, 4 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झगड़ा घर के बाहर बैठने से मना करने पर हुआ, मोटरसाइकिल भी जला दी गई। आईजी सिंह ने रिपोर्ट तलब कर ली। एसएसपी मलीर के मुताबिक 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में जमशेद क्वार्टर और पीआईबी कॉलोनी स्ट्रीट क्राइम का गढ़ बन गए। पुलिस जराइम की रोकथाम में मुकम्मल नाकाम, रमा साल के 4.5 माह में स्ट्रीट क्राइम की 640 वारदातें रिपोर्ट हुई। वारदातों में 2 शहरी जान बहक, 12 से ज्यादा जख्मी भी हुए। कराची में 7 अफराद समंदर में नहाते हुए डूब कर जान बहक, 4 नौजवान सैंड स्पिट साहिल पर डूबे, लाशें निकाल ली गई। मनोड़ा के करीब 1 शख्स डूब कर जान बहक हुआ। सीबीओ पर 2 अफराद डूब कर जान से गए, 1 को बचा लिया गया। रमजानुल मुबारक में महंगाई और मुनाफाखोरों पर काबू पाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नोटिस, सेशन जजेस और कमिश्नर्स को स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास करने की हिदायत कर दी। रमजान में अशिया खुरनोश में ज्यादा कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, चीफ जस्टिस अहमद अली शेख का हुक्म। वफाकी हुकूमत की फिर खसारे का बजट पेश करने की तैयारी, नए बजट में टैक्स वसूली का हदफ 4 खरब रुपए होगा। अखराजात और वसूलियों में 1.5 खरब रुपए का फर्क रहने का इम्कान। तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज, दिफा के लिए 950 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट 26 मई को पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया इज नॉट अंडर अटैक, आजादी इजहार राय की हम मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। आजादी इजहार राय के मामे और चाचे ना बने, कोई धमकियां भी ना दे सड़कों पे आने का, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर कोई कदगन नहीं लगाएंगे, लेकिन फौज और अदलिया की तस्दीक की इजाजत नहीं दे सकते। चौधरी निसार कहते हैं, अपनी अकदार पर हमला करने वालों को कटहरे में लाएंगे। गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, जिसने जो करना है कर ले, मादर पिदर आजाद सोशल मीडिया को भूल नहीं, चेक एंड बैलेंस के एसओपीज के लिए स्पीकर से कहेंगे। ये जो शरीफ ब्रादरान है, बोले भाले लगते हैं, ये फैशिस्ट है। वो ऊपर बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर उन सारे इदारों के ऊपर। सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता, सोशल मीडिया को कोई रोक सकता है ना कंट्रोल कर सकता है। इमरान खान कहते हैं, सोशल मीडिया ने दुनिया बदल दी, इस फोरम पर हर कोई राय का इजहार कर सकता है। एफआईए का काम लोगों को गिरफ्तार करना नहीं, नून लीग हुकूमत को तनकीद से बचाने के लिए फौज की आड़ ले रही है। हुसैन नवाज के जीआईटी के 2 अरकान पर एतराज का पता चला है। सिंध में तालीम की जबूहाली, महकमे के आला हुकाम की डिग्रीज भी जाली। ग्रेड 20 के स्पेशल सेक्रेटरी जाकिर अली शाह जाली डिग्री की वजह से फारिग,
साबिक सेक्रेटरी फजल पुचूह के करीबी साथी जाकिर अली 3 साल से स्पेशल सेक्रेटरी थे। उधर प्लिफ्टन में गैर कानूनी तामीरात पर डायरेक्टर कच्ची आबादी समेत 3 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान नेवी फिर बाजी ले गई। ग्वादर से पानी के बहरान से निपटने के लिए बहरी जहाज के जरिए पानी पहुंचा दिया। नसर नामी जहाज पर 1,200 टन पानी पहुंचाया गया। पानी मकामी इंतजामिया के जरिए शहरियों को सप्लाई किया जाएगा। मैनचेस्टर में खुदकुश धमाका करने वाले की शनाख्त हो गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमलावर 23 साल सलमान आबदी लीबियाई नजात था। हमले में हलाक अफराद की तादाद 22 हो गई, 119 जख्मी। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। धमाके के बाद मैनचेस्टर में मस्जिद को आग लगाकर शहीद करने की कोशिश। भारतीय फजाइया का लड़ाका तैयारा चीनी सरहद के करीब लापता हो गया। तैयारे में 2 पायलट सवार थे। सुखोई तैयारे 2002 में भारतीय फजाइया का हिस्सा बने थे और अब तक 6 लड़ाका तैयारे तबाही का शिकार हो चुके। तबाही की मुमकिन वजूहात में सख्त मौसम, ट्रेनर्स का फुकदान और नाकस मरम्मत शामिल है। और जेम्स बॉन्ड के किरदार को अमर कर देने वाले मशहूर अदाकार रॉजर मोर इंतकाल कर गए। रॉजर मोर ने 89 साल उम्र पाई। कुछ अरसे से कैंसर के आर्जे में मुबतला थे। रॉजर मोर ने कई दहाइयों तक हॉलीवुड पर राज किया। बॉन्ड सीरीज की कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।